जय हिंद साथियों। आज बिहार पुलिस का बैच स्टार्ट हो रहा है। बिहार पुलिस, वो बिहार पुलिस जिस बिहार पुलिस की आप लोगों का इंतजार था। इस बार बिहार पुलिस जो भर्ती आई हुई है 21,391 सीट आया हुआ है। अगर इस बार आपकी नौकरी नहीं होती है तो अगले 3 साल तक कोई भर्ती नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। दावा के साथ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इस बिहार पुलिस की भर्ती 21,391 सीट आया हुआ है, जिसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरे यहाँ आज बिहार पुलिस के न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, जो मैथ में जो है चैप्टर रेल यानी ट्रेन से शुरू हो रहा है। ट्रेन में पढ़ने के लिए सबसे पहले ट्रेन जो चैप्टर होता है, ट्रेन आप तो ट्रेन के बारे में सुने भी होंगे। ट्रेन में 3 चीज देखा जाता है, दूरी, चाल, समय। अगर 3 चीज पर आपको एकदम ध्यान है, कंबाइंड है, जहां इसमें सबसे पहले क्या देखना है, दूरी देखना है, चाल देखना है, समय देखना है। फॉर्मूला सिर्फ दूरी के याद रखना है। यदि दूरी का फॉर्मूला याद रहेगा तो सब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले होता है दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी चाल को आप यहाँ पर रखते हैं तो दूरी बट समय हो जाएगा, क्योंकि दूरी इधर चलाएगा, समय इधर चलाएगा। फिर बोलते हैं समय बराबर, जब समय यहाँ से यहाँ चलाएगा तो बच के आ जाएगा, दूरी यहाँ पर आ जाएगा, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी दूरी बटे चाल हो जाए। याद करने का तरीका ये है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, और चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर गलती से बोला जाता है जो अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जाए तो कितने से गुना किया जाता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/1800 गुना किया जाता है। दूसर का बात, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा यानी इसी को उल्टा कर दिया तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुना करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है क्वेश्चन, देखिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं जो रेल के क्वेश्चन होता है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ दिमाग लगाना है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। इसमें 3 चीज खोजना है, हम आपको बताए थे। पहला क्या खोजना है, दूरी। दूसरा क्या खोजना है, चाल। तीसरा क्या खोजना है, समय। इसमें 3 चीज खोज लेना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे दूरी दिया है, इसमें नहीं, सिर्फ दूरी पूछ रहा है, लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बराबर क्या लिख देंगे, वाट। चाल इसमें पूछ रहा है, चाल इसमें दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें चाल कितना दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया है इसमें 10 सेकेंड, वाह। अब इसमें फॉर्मूला किसका लगाएंगे, जो नहीं दिया है, इसमें क्या नहीं दिया है, दूरी। दूरी बराबर फॉर्मूला हम लोग को जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही ना फॉर्मूला है जी। इसमें देखेंगे चाल दिया है कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय दिया है, समय कितना दिया है 10 सेकेंड। आप लोगों को पता है, अभी जस्ट बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/1800 से गुना करेंगे। यहाँ पर लिखे भी थे इस तरह, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/1800 से गुना करेंगे, यानी 1 किलोमीटर में इस सेकंड में, तो मैथ तो कर नहीं रहा, तो इसको चेंज करेंगे ना जी। तो चाल है 36 गुने समय 10 अगुने 5/1800, यहाँ पर नहीं कटेगा, इस साइड में लिख दे रहे हैं जो चीज़ है 36 गुने 10 गुने 5/1800, इसमें कटेगा 18 कम 18, 18 दूना 36, बच क्या गया 2 गुने 10 गुने 5, अब गुना करेंगे ना, 10 दूना 20, 20 बचे 100, कितना मीटर लंबाई है ट्रेन की, 100 मीटर। चलिए छाप लीजिए। अभी दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिए हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। जस्ट आपको बताए थे, जो वही दिमाग लगाना है, 3 चीज खोजना है। सबसे पहले क्या, दूरी, चाल, समय। इसमें दूरी कितना दिया, इसमें दूरी नहीं दिया है, चाल कितना दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है 10 सेकेंड। अब इसमें निकालना क्या, दूरी अलग फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय,
चाल हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 10 सेकंड, 5/18। इधर काटेंगे 54 × 10 × 5/18, 18 × 18 = 58, 54 बच गया, 3 × 10 × 5, 10 × 3 = 30, 30 × 5 = 150 मीटर आंसर। ठीक है, अगर आज जो बिहार पुलिस की बैच स्टार्ट हुई है इसमें मैथ का असाइनमेंट आप लोगों को दिया जा रहा है जो कि ये है, ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा है वो असाइनमेंट आके ले जा सकता है, और ऑनलाइन वाले लोग के लिए बता रहे हैं। इसमें ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री वाला है असाइनमेंट, हिस्ट्री का भी तैयार किया गया है, ये वाला है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का भी आप लोगों को तैयार किया गया है, आके आप लोग असाइनमेंट ले जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं, चाल पूछ रहा है। हम आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले तीन चीज खोज लेंगे, चाल, समय, दूरी। सबसे पहले इसमें क्या खोजते हैं, दूरी, दूरी बराबर, और चाल खोज लेंगे, चाल बराबर और समय बराबर। ठीक है, दूरी इसमें दिया हुआ है 200 मीटर, चाल दिया हुआ है नहीं दिया है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, चाल, तो चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही है ना फॉर्मूला। अब दूरी इसमें कितना दिया है 200 मीटर, और समय कितना दिया है 10 सेकंड। अब जब मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना, कटेगा जी, 1 0 से 1 0, 5 × 5 4 × 5 = 20, 18 × 4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ में आया, चलिए छाप लीजिए। 600 मीटर है, चाल दिया हुआ है नहीं दिया है, समय 10 सेकंड, फॉर्मूला वहीं लगेगा, दूरी चाल है ना जी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 600 मीटर और चाल है 10 सेकेंड गुने 18/5, 1 0 से 1 0, 5 × 5 12 × 5 = 7, अब 12 और 18 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना है स्पीड आ रहा है जी। चलो देखिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो ना इस टाइप का क्वेश्चन होता है, तीनों टाइप में आप लोगों को बता दिए, लास्ट टाइप है, पहले दूरी निकालने के लिए बता दिए, फिर आप लोगों को चाल निकालने के लिए भी बता दिए, अब समय निकालने के लिए बता रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी, मतलब कितना समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 125 मीटर, और रेलगाड़ी की स्पीड कितना है 45 किलोमीटर, तो क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो वहीं तीन चीज खोजेंगे हम लोग, नहीं, दूरी, चाल, समय। दूरी दिया हुआ है 125 मीटर, चाल दिया हुआ है जी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। हाँ, एक क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है, हम दूरी लिखे हुए हैं, इसलिए सीखने के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ना कि हम एक्सपर्ट स्टूडेंट के लिए, एक्सपर्ट स्टूडेंट के लिए नहीं है, सीखने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो कितने स्टूडेंट कमेंट करने लगेंगे, सर दूरी लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पोस्ट में लिख सकते हैं, तो
तो फॉर्मूला दूरी लिखा हुआ है तो दूरी लिख सकते हैं। अब बचा क्या, समय। समय बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही ना फॉर्मूला होता है जी। दूरी कितना दिया है 125 और चाल कितना दिया है 45। अब इसमें भी आप लोगों को बताए हैं कि किलोमीटर मीटर को प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5/18। रुको जी, देखिए आप लोग मिस्टेक कर गए, कह रहे हैं कि 5/18 नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीटर में है, ये किलोमीटर में। आप लोग जस्ट बताए थे मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से, 18/5 से। और वही चीज पहले बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले मीटर ऊपर है और किलोमीटर नीचे है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए वाला 18/5। अगर पहले स्टार्टिंग में किलोमीटर रहता तो फॉर्मूला क्या लगता, ए वो। अब काटेंगे, 5 × 5 = 25, 25 = 125 कट गया, कटेगा और 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 50, 25 कट गया, बचा कितना, 5 × 2 = 5, 10 सेकेंड में। कितना सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी, 10 सेकेंड में। चलिए छाप लीजिए, ये जो अभी दिए हुए हैं ये HW है आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग इस क्वेश्चन को बना के कमेंट कर सकते हैं जिसके आंसर कितना हुआ, ठीक है। अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व हो जाएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं जो एक नंबर के आंसर इतना है, दो नंबर कितना है, तीन नंबर कितना है, ठीक है। जय हिंद साथियों।